में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। जदयू राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने लोजपा में टूट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग ने जैसा किया वैसा ही उन्हें मिला है। गलत कार्य का गलत नतीजा हमेशा भुगतना पड़ता है। लोजपा में टूट को लेकर उन्होंने कहा है कि टूट कर अगर सांसद एनडीए में आना चाहे तो स्वागत है। एनडीए में दो दल हैं और जदयू और बीजेपी, दोनों पार्टियों में से किसी पार्टी में लोजपा सांसद आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। चिराग को बिना मेहनत किए हुए सब कुछ मिल गया, इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है, मगर पार्टी संभालने लायक वो नहीं थे। इस तरीके का बयान आरसीपी सिंह के तरफ से सामने आया। जरा सुनिए क्या कुछ तमाम बातें आरसीपी सिंह ने लोजपा में टूट को लेकर और चिराग पासवान को लेकर कहा है। लोगों ने निर्णय लिया, ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा इसी हॉल में हम लोगों ने कुछ महीने पूर्व, हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए, तो स्वाभाविक है कि जैसा मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइए। ये उन लोगों के लिए कड़ा संदेश नहीं है जो नेगेटिव पॉलिटिक्स केवल करते हैं, लगातार हमले किसी पार्टिकुलर व्यक्ति पे या किसी पार्टी पे, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, कि उन लोगों के लिए मैसेज नहीं है? देखिए राजनीति जो हम लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति होनी चाहिए और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है, आपकी अपनी विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करते। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल संभल करके चलना पड़ता है। ये तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया। इसलिए राजनीति में सब लोगों को, सब जगहों को, सब चीज़ों में हमेशा अपना जो हमारा पक्ष है, हमारी जो विचारधारा है उस पर काम करना चाहिए। सर, तो दिल्ली में जदयू की बात कर रहे हैं कि सारे लोग जदयू में आएंगे, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको जगह भी अब मिलेगी? देखिए आपने दो तीन सवाल एक ही साथ पूछ, जहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है तो मैंने दो दिन बता चुका, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब भी विस्तार होगा हम लोगों ने बता ही दिया उस चीज़ का। जहाँ तक जो आज अलग हुए हैं, पहले तो आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसका नोटिफिकेशन होता है, अलग दल की मान्यता मिलती है, उनके नेता बनते, सब चीज़ें होता है। उसके बाद हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है, समझे ना। और आप जानते हो तो एनडीए के हिस्सा रहे हैं और एनडीए में हम लोग दो ही लोग नहीं, बीजेपी और जेडीयू दोनों जगह जहां जाएंगे स्वागत होगा। तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, पशुपति पाल से भी बोले थे, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब चिराग पासवान बयान पर बयान दे रहे थे उस वक्त से ही लोजपा नाराज थी या फिर नहीं? ये तो मैंने आपको बताया ही कि देखिए सब लोग एक, देखिए बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे, उसमें याद करिए ना पशुपति पारस जी भी यहाँ पर मंत्री थे, लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था एक बहुत अच्छा माहौल था, और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है वो लोग सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे, तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करेंगे। क्या लगता है सर जो विधानसभा चुनाव में नंबर सब लोग को आए, ये चिराग पासवान को जो आप कैंपेन एंटी जेडीयू उसी का परिणाम था, उनको इसका मिल के परिणाम? देखिए एक बात बता देते हैं, अभी उनकी उम्र बहुत है, मैंने बताया ना कि आदमी को लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए और लंबी राजनीति को पूछना चाहिए, और सबसे ज़रूरत है कि राजनीति में अपने सिद्धांत के साथ साथ आपके साथ जो अनुभवी लोग हैं, आपके जो सहयोगी के अनुभवी हैं, उनका भी मान सम्मान। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।